प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ता इंतहाई वफादार जानवर होता है, जो कि मालिक को मुसीबत में पाकर अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। आज हम आपको एक प्रेग्नेंट औरत और उसके पालतू कुत्ते की कहानी सुनाएंगे जो बिल्कुल सच्ची है, जिसमें एक पालतू कुत्ता अपनी प्रेग्नेंट मालकिन के पेट को चाटता और जोर जोर से भौंकता था। जब इसकी वजह प्रेग्नेंट औरत के शोहर को मालूम हुई तो उसके पैरों तलों से जमीन खिसक गई। पालतू कुत्ते ने हामला औरत के साथ क्या किया, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को बस एक लाइक कर दे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, बर्तानिया में कीमी नाम के कुत्ते को एक औरत और उसके मंगेतर ने पालने के लिए गोद लिया। उस वक्त ये कुत्ता काफी छोटा सा था। फिर उस लड़की की मंगनी हो गई। उस लड़की का नाम एला था और एला का मंगेतर भी उस कुत्ते के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। फिर इनकी शादी हो गई तो ये कुत्ता भी इनके साथ ही रहता था। ये इनके घर में सिक्योरिटी का काम भी करता था और इनके साथ रहता था। शादी के चंद माह बाद जब एला प्रेग्नेंट हो गई तो इसका पेट बढ़ने लगा। ये तो आम सी बात थी, लेकिन यहाँ जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि अपनी मालकिन का बढ़ता हुआ पेट देखकर इसका पालतू कुत्ता अजीब हरकत करने लगता था। वो जब भी अपनी मालकिन को देखता और इसके पेट को देखता तो वह भौंकने लगता और कभी कभार इसके पेट को चाटने लगता। इसकी इस हरकत से यूं लगता था कि जैसे वो किसी बात की जानिब अपनी मालकिन की तवज्जा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मामला क्या है और ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है। इस लड़की को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसके पाँव के नीचे से जमीन सरक गई कि ये क्या मामला है, और वो भी इस बात की हकीकत जानने की कोशिश में लग गई। इस कुत्ते की इस हरकत के पीछे क्या वजह सामने आई, ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये बात एला नाम की लड़की के लिए अलग और ताज्जुब वाली बात थी। इसी तरह ये बात एला के शोहर के लिए भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमल यानी प्रेग्नेंट होने से पहले इनके कुत्ते ने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी, और अब जब के एला हमला हुई तो ये कुत्ता ऐसी अजीब हरकत करने लगा। एला के शोहर ने इसको बताया कि वो अस्पताल चली जाए और अपनी लेडी डॉक्टर से इस बात का जिक्र करे ताकि इसका चेकअप हो सके और इस मामले का शक दूर हो जाए। एला अपनी डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप करवाती है और सारा मामला इसके साथ शेयर करती है, लेकिन इसकी डॉक्टर इसको बताती है कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एला वापिस आ जाती है और अपने शोहर को बताती है कि इसके डॉक्टर ने कहा है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एला के कुत्ते का रवैया हर बार की तरह ही रहता है और एला के पेट को जब भी वो देखता है तो वो भौंकने लगता है और कभी कभार इसके पेट को चाटने लगता है। चेकअप के बावजूद एला का दिल नहीं मान रहा था। एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ ये मामला शेयर करे, हो सकता है कि कोई मुझे बेहतर मशवरा दे सके और ये परेशानी दूर हो जाए। लिहाजा वो अपने सोशल मीडिया पर यह मामला शेयर करती है और अपने दोस्तों से इस परेशानी के हल के लिए मशवरा मांगती है। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ मशवरा देते हैं, जिनमें से किसी एक ने इसको ये भी मशवरा दिया था कि शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल जाए और वहाँ अपना मुकम्मल और तफसीली चेकअप करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए। हो सकता है कि इसका कुत्ता इसको इसके आने वाले किसी खतरे से आगाह कर रहा हो। एला को यह मशवरा मुनासिब लगता है और वो अपने शोहर के साथ शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ अपना चेकअप करवाती है तो जब इसके चेकअप के रिपोर्ट में एक खतरनाक बीमारी सामने आती है तो एला और उसके शोहर के पाँव तले से जमीन सरक जाती है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी जो एला और उसके पेट में मौजूद बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। एला के पेट में एक खतरनाक गांठ थी और शायद इसी खतरे को उस कुत्ते ने भाप लिया था और वो एला के साथ इसीलिए ऐसा रवैया इख्तियार किया हुआ था ताकि इसका ध्यान इसकी तरफ बढ़ जाए। दोस्तों, कुत्ता चूंकि बेजुबान होता है इसलिए वो जुबान से तो कुछ बता नहीं सकता, अलबत्ता वो अपनी हरकत से अपनी मालकिन को खबरदार करता रहा और यूं इस कुत्ते की वजह से इसकी मालकिन की जान बच गई।
ना सिर्फ इसकी मालकिन की बल्कि इसके पेट में मौजूद बच्चे की जान भी बच गई। दोस्तों, आप इस कुत्ते की इस हरकत के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों, बात की जाए कुत्ते की वफादारी की और इसकी समझदारी की, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है और आखिरी हद तक अपनी वफादारी निभाता है और ये कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं करता। ऐसे ही कई वाकयात है जो कुत्ते की वफादारी से मुंसलिक है। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा ही वाकया हम आपको बताते हैं। एक पत्थर दिल औरत जब अपने एक महीने के बच्चे को जंगल में अकेला छोड़कर चली गई तो उसके साथ जंगल में रहने वाली आवारा कुतिया ने क्या किया, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब इस कुतिया ने एक इंसानी बच्चे को गली में पड़े हुए देखा तो इसने वही किया जो एक रहमदिल माँ को करना चाहिए था, और इसके बाद इस कुतिया ने जो भी किया इसे देखकर सब हैरान रह गए। लियो नाम का ये बच्चा 2010 में अमेरिका के एक शहर में पैदा हुआ और इस बच्चे की जालिम माँ इसे तब बेयारो मददगार छोड़कर चली गई जब वो सिर्फ 1 महीना 30 दिन का था। बजाय इसके कि वो इसे किसी यतीम खाने के हवाले करती, वो इसे एक वीरान जगह पर छोड़कर चली गई। वो बेयारो मददगार इस जगह पर पड़ा था और इस उम्र में एक नासमझ बच्चे को अपने लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। अगर कोई जानवर इस बच्चे को पीने के लिए दूध भी दे देता तब भी इसके लिए इस वीरान इलाके में जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। और इससे भी बढ़कर ये कि इसकी माँ इसे सख्त सर्दी के मौसम में इस जगह पर छोड़कर चली गई थी। इसका मतलब ये था कि अगर इस बच्चे को मदद ना मिली तो ये बच्चा बहुत ही जल्द ठंडी से सुकड़ कर मर जाएगा। अगरचे इसकी माँ ये बच्चा फेंक गई थी, लेकिन असल में यह बच्चा यहाँ पर अकेला नहीं था। इस जगह पर एक आवारा कुतिया भी रहती थी जो अक्सर अपनी खुराक की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। इस कुतिया को रोज बहुत खाना चाहिए था क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे जिंदा रहने के लिए इसी पर भरोसा करते थे। चुनांचे ये कुतिया अपने बच्चों को पाल रही थी, इसीलिए ये कहना गलत ना होगा कि इस कुतिया के अंदर ममता के जज्बात मौजूद थे। ये कुतिया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। इतने में इसे लियो नाम का ये बच्चा यू बेयारो मददगार वीरान जगह पर रोता हुआ मिला। इसने उस बच्चे को देखा और वहां उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अब इस कुतिया को इस बच्चे के लिए कुछ करना था और इसके बाद उसने जो किया उसे देखकर हर कोई हैरत ज़दा रह गया। ये कुतिया दौड़ती हुई वापस अपने बच्चों के पास आई और उनको दूध पिलाने के बजाय उनको एक एक करके अपने मुंह से उठाने लगी। ये कुतिया अपने एक एक बच्चे को मुंह में लेती और उस जगह पर ले आती जहां पर वो बच्चा पड़ा हुआ था। इसी तरह से इसने सभी बच्चों को लाकर उस इंसानी बच्चे के आसपास रख दिया। कुतिया ने उस इंसानी बच्चे के चारों तरफ अपने बच्चे रख दिए और यूं इंसानी बच्चा और उस कुतिया के बच्चे और इनकी माँ एक दूसरे के साथ सर्दियों की जमा देने वाली रात गुजारने के लिए तैयार हो गए। इन जानवरों के जिस्म की गर्मी की वजह से वो इंसानी बच्चा सर्दी की रात में जिंदा रह सका। अगली ही सुबह पास में रहने वाली एक लड़की ने अपने घर के साथ में मौजूद जगह से अजीबोगरीब आवाजें आती हुई सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे ये किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज़ है। उसने खुद ही इस बच्चे की आवाज़ का पीछा किया क्योंकि इसको ये पता था कि आसपास का इलाका वीरान है और कोई भी इंसान इस जगह पर नहीं रहता है। उस लड़की ने सोचा तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उसे यकीन हो गया कि ये एक इंसानी बच्चे की आवाज़ है, उसने इंसानी बच्चे को देख लिया और इसने इस कुतिया और इसके बच्चों को इंसानी बच्चे के साथ जुड़ा हुआ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लेकिन उसके पास इस खूबसूरत मंजर को खराब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि पता नहीं था कि उसकी माँ ने इस बच्चे को कब यहाँ फेंक कर चली गई थी। उस लड़की ने फौरन बच्चे को कुत्तों से अलग किया और जितनी जल्दी मुमकिन हो सका उसे अस्पताल लेकर पहुँच गई और बच्चा ठीक हुआ। बच्चे को यतीम खाने भेजा गया, पुलिस केस हुई, उस बच्चे की माँ को ढूंढा गया, उसे जेल भी भेजा गया। उस बच्चे की माँ ने यह सब मीडिया के सामने बयान किया। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा किस तरह एक आवारा कुतिया ने उस बच्चे की जान बचाई। तो प्यारे दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने करीबी लोगों में ज़रूर पहुँचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।